हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। जो आज हम टॉपिक ले रहे हैं उसका नाम है इंक्रीज इन राइनोसोरस पॉपुलेशन इन काजीरंगा। इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे सर्टेन फैक्ट्स अबाउट काजीरंगा। हम डिस्कस करेंगे क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से राइनोसोरस की पॉपुलेशन रिड्यूस हो रही थी, क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं जिससे कि राइनोसोरस की पॉपुलेशन इंक्रीज हो। सो माई नेम इज सौरभ पांडे एंड आई एम सीनियर यूपीएससी फैकल्टी एट स्टडी आईक्यू। सो बिफोर आई स्टार्ट दिस पर्टिकुलर टॉपिक, लेट्स सी व्हाट पॉसिबल मेन्स क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। क्वेश्चन इज, ह्यूमन पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग बट पॉपुलेशन ऑफ नॉन ह्यूमन इज डिक्रीजिंग, हाउ फार दिस ट्रेंड इज सस्टेनेबल। अब ये जो डिवीजन हुआ है ह्यूमन और नॉन ह्यूमन का, इसको एक जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का उसके बेसिस पे समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें ये ध्यान में रखना है कि जो नॉन ह्यूमन सिटीजन्स हैं उनके राइट्स को भी रेस्पेक्ट करना चाहिए। नॉन ह्यूमन सिटीजन्स कौन हो गए? नॉन ह्यूमन सिटीजन्स हो गए जो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स होते हैं उनके राइट्स का। जैसे हमारे पास एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, फॉरेस्ट से रिलेटेड बहुत सारे एक्ट है, अगर वो एक्ट आपको कह रहे हैं कि इनके राइट को ब्रीच करो, तो जो ब्रीच होना चाहिए उन लॉ के बेस पे होना चाहिए। ऐसे ही आपको, आप ऐसे ही उनके राइट्स को ब्रीच नहीं कर सकते। ये जो कोर्ट ने जजमेंट दिया था ये किस कंटेक्स्ट में दिया था? ये दिया था जब मैन ह्यूमन कन्फ्लिक्ट जो इंक्रीज हो रहा है। अब ये क्वेश्चन है, क्या ह्यूमन जो है वो आइसोलेशन में सर्वाइव कर सकता है? क्या ह्यूमन नॉन ह्यूमन के बिना सर्वाइव कर सकता है? क्योंकि जो इकोसिस्टम है उसको मेंटेन करने के लिए, जो इकोलॉजी है उसको मेंटेन करने के लिए जो ये नॉन ह्यूमन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो क्या ये जो ट्रेंड है जिसमें ह्यूमन पॉपुलेशन तो इंक्रीज हो रही है बट जो पॉपुलेशन नॉन ह्यूमन की है, जो डिफरेंट एनिमल्स है उनकी रिड्यूस हो रही है, क्या ये सस्टेनेबल है? इसी कंटेक्स्ट में आपको आंसर करना है। अब देखते हैं क्या प्रीलिम्स क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि पॉबिटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस स्टेट में लोकेटेड है। आपके पास ऑप्शन है असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। इस पर्टिकुलर वीडियो में इसका आंसर है, आप प्लीज वॉच द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो हमारे कोर्सेस अवेलेबल हैं एसएससी के लिए, यूपीएससी एग्जाम के लिए, यूपीएससी ऑप्शनल के लिए, डिफेंस एग्जाम के लिए, स्टेट पीएससी एग्जाम के लिए। इनके बारे में जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं studyiq.com, या फिर इन पर्टिकुलर नंबर पे कॉल कर सकते हैं और इन कोर्सेज के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। अब ये टॉपिक हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि रिसेंटली जो एक सेंसस हुआ है और उसकी रिपोर्ट आई है, वो उसने ये हाईलाइट किया है कि काजीरंगा नेशनल पार्क में वन हॉर्न राइनोसोरस की पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, वो अब 2413 हो गई, पहले थी 2401। अब पहले हम जानते हैं बेसिक्स अबाउट काजीरंगा, कुछ फैक्ट्स रिलेटिंग टू काजीरंगा। तो देखो, जो ये काजीरंगा है इसकी लेंथ लगभग 40 किलोमीटर है और ब्रेथ लगभग 30 किलोमीटर है। इसके ऊपर जो एक तरीके से जो रिवर इसको सराउंड कर रही है उसका नाम है ब्रह्मपुत्र, और जो रिवर अंदर फ्लो कर रही है, दो रिवर्स मेनली जो फ्लो कर रही है पार्क के अंदर, उनका नाम है दिफ्लू और धानसिरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स है जो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में कि कौन सी रिवर इनमें से काजीरंगा के अंदर फ्लो कर रही है, तो दिफ्लू और धानसिरी। अब जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो लोकेटेड कहां है? असम में, इस पर्टिकुलर रीजन में। अब देखो, ये है काजीरंगा नेशनल पार्क, तो इसको सराउंड कौन कर रहा है? रिवर ब्रह्मपुत्र, और ये जो रिवर दिफ्लू है और धानसिरी है ये इसके अंदर फ्लो कर रही है। अब जो ये काजीरंगा नेशनल पार्क है उसमें जो सॉइल है फर्टाइल है, एलुवियल है। क्यों फर्टाइल एलुवियल है? क्योंकि अगेन बहुत सी रिवर फ्लो कर रही हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र तो सराउंड कर रही है और दूसरी बात धानसिरी और दिफ्लू रिवर्स भी उसके अंदर फ्लो कर रही हैं। ये काजीरंगा नेशनल पार्क अगेन एक बड़ा ट्रैक्ट है जो कि अगेन किस रीजन में है? सब हिमालयन बेल्ट में। और ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, क्यों? क्योंकि हाईली बायोडाइवर्स रिच रीजन है ये। अब अगर इस सैटेलाइट इमेज को देखें, ये क्या हाईलाइट कर रहा है कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो अपने कोर्स को चेंज करती रहती है। इस पर्टिकुलर प्रोसेस की वजह से कई बार जो एनिमल्स हैं उनके हैबिटेशन भी अफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट है कि ये जो पार्क है ये इंडो मलाया इको जोन में लोकेटेड है, और जो बायोम्स यहाँ पे हैं वो है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट बायोम। ओके, सो हम देखते हैं ये इको जोन क्या है और बायोम क्या है। इको जोन बेसिकली आप ये मानिए जो अर्थ है उसको डिफरेंट बायो ज्योग्राफिक रेल्म या इको जोन में डिवाइड किया गया। ये जो बायो ज्योग्राफिक रेल्म और जो इको जोन ये क्या होते हैं कि ये आप मानिए कि पास्ट में एक आइसोलेटेड से एरिया थे जहां पे जो न्यू स्पीसीज थी या डिफरेंट जो स्पीसीज है उनका इवोल्यूशन हुआ। ओके, सो जो अर्थ है वो मेनली 8
बायोजोग्राफिक रेल्म में डिवाइडेड है। ये जो बायोजोग्राफिक रेल्म है ये डिफरेंट बायोम्स में डिवाइडेड होता है। तो जो बायोम है वो क्या है, सब कैटेगराइजेशन ऑफ इकोजोन। तो जो बायोम क्या होता है, बायोम होता है मेनली जो क्लाइमेक्स वेजिटेशन है, जैसे फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट टाइप, तो ये डेजर्ट वेजिटेशन क्या होगा, ये बायोम होगा। टुंड्रा क्या होगा, ये बायोम होगा। टैगा क्या होगा, ये बायोम होगा। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इकोजोन एंड बायोम। अब जो काजीरंगा है, काजीरंगा नेशनल पार्क, वो किस पर्टिकुलर इकोजोन में है, इंडोमलाया, जो स्टार्ट हो रहा है अफगानिस्तान में और फिर साउथ ईस्ट एशियन तक, एशियन कंट्रीज जो है उसको कवर करता है। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं कि जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो मेनली इन डिस्ट्रिक्ट में गोलाघाट और नगांव, ये गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट है और नगांव डिस्ट्रिक्ट है, और इनको सराउंड ये जो कार्बी एंगलोंग जो है ये डिस्ट्रिक्ट इसको सराउंड कर रही है। अब जो काजीरंगा नेशनल पार्क है इसमें हाईएस्ट डेंसिटी है ना टाइगर की, और इसको एक तरीके से टाइगर रिजर्व 2006 में डिक्लेयर कर दिया गया। तो जो आपको जो फैक्ट ध्यान में रखना है कि जो काजीरंगा है उसमें सिर्फ राइनोसोरस नहीं, उसमें टाइगर्स भी हैं। लेकिन होता क्या है कि ये जो टाइगर्स हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी ग्रासेस हैं, इसकी वजह से ये जो टाइगर्स हैं इतनी आसानी से दिखते नहीं हैं। नेक्स्ट फैक्टर है कि अदर देन राइनोसोरस और टाइगर आपके पास वहाँ एलिफेंट्स भी हैं, वाइल्ड वाटर बेफेलो भी है, स्वैम्प डियर भी है, और दिस बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने इसको काजीरंगा को इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी डिक्लेयर किया था। तो ये बर्ड लाइफ इंटरनेशनल एक तरीके से इंटरनेशनल एक एनजीओ है, एक ग्लोबल पार्टनरशिप है जिसके तहत है ना जो एरियाज ऐसे हैं जो बर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है उनकी ये कंजर्वेशन में हेल्प करती है। नेक्स्ट फैक्टर ये है कि हमने ये डिस्कस किया है कि ईस्टर्न हिमालयन रीजन में, जैसे जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, ये क्या है वेस्टर्न, और ये जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वो किस में आते हैं, ईस्टर्न हिमालयन रीजन में। तो अगेन वी हैव डिस्कस दिस थिंग ऑल्सो कि काजीरंगा में आपके पास ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसोरस है और बफेलो है और ये ईस्टर्न स्वैम्प डियर है। दिस इज अ पिक्चर ऑफ ईस्टर्न स्वैम्प डियर। अब जो राइनोसोरस है उनकी डिफरेंट स्पीसीज होती हैं, जैसे इंडिया में जो है उसको कहते हैं ग्रेटर वन हॉर्न राइनोस, ये मेनली कहाँ पे है, काजीरंगा में। फिर आपके पास ब्लैक राइनो भी है, व्हाइट राइनो भी है, सुमात्रा राइनो भी है और जावा राइनो भी है। अब थ्रेट देखते हैं राइनोसोरस के लिए, जो काजीरंगा है उसमें लगभग 70% जो टोटल जो हमारे ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसोरस हैं उसकी पॉपुलेशन है। सो जो ये काजीरंगा में जो ये वन हॉर्न राइनोसोरस है बहुत ज्यादा थ्रेट भी फेस करते हैं मेनली पोचिंग की वजह से। ये जो पोचर्स होते हैं ये तो किल करते ही हैं राइनोसोरस को, मेनली क्यों किल करते हैं, क्योंकि अगेन जो इनका हॉर्न होता है वो डिमांड में है इन कंट्रीज में, बहुत सारी कंट्रीज जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, चाइना इनमें। ओके, और दूसरा जो फैक्टर है जो इनके पॉपुलेशन को रिड्यूस कर रहा है वो है एनुअल फ्लड। हर साल जो फ्लड होती है उस फ्लड की वजह से बहुत सारे राइनोसोरस जो है वो अपनी लाइफ को खो देते हैं। सो ये जो ये वन हॉर्न राइनोसोरस है उसका जो हॉर्न है वो एक मेडिसिन भी बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, और इसको जैसे इसको कंसीडर किया जाता है एफ्रोडियासिक, मतलब कि एक तरीके से आप मानिए कि फर्टिलिटी से रिलेटेड के लिए इसको यूज किया जाता है ना, मेन और वुमेन दोनों यूज करते हैं, ठीक है, और ट्रेडिशनल मेडिसिन भी बनाने के लिए यूज किया जाता है वियतनाम और चाइना में। तो ये जो रीजन है जैसे चाइना है या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, यहाँ पे बहुत डिमांड है वन हॉर्न राइनोसोरस के जो ये हॉर्न है उसकी। अब दूसरा फैक्टर क्या है कि जो बहुत से लोग हैं है ना बांग्लादेश से आके इलीगली जो रह रहे हैं काजीरंगा वाले रीजन में, जिसकी वजह से जो इंक्रोचमेंट हो रहा है, तो वो जो एनिमल्स हैं, डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके हैबिटेशन को भी अफेक्ट कर रहा है। तो अब देखते हैं सॉल्यूशन क्या। एक सॉल्यूशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमें ध्यान में रखना है कि अगर नगांव और ये कोलाघाट जहाँ पे ये भी काजीरंगा नेशनल पार्क है उसको प्रोटेक्ट करना है, तो पहले ये जो कार्बी हिल्स है इस डिस्ट्रिक्ट में, ये जो रीजन है यहाँ पे, इसको भी हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है ना, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि जैसे ये जो डिस्ट्रिक्ट है, दोनों डिस्ट्रिक्ट अलग अलग है, इनका लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग होगा, तो जो कंजर्वेशन जो एफर्ट्स हैं उसमें प्रॉब्लम ना आए, तो ये रिक्वायर्ड है कि इनके बीच एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। और दूसरा एस्पेक्ट ये है कि हम ये भी कह सकते हैं कि जो काजीरंगा नेशनल पार्क को एक कंटिन्यूस रीजन डिक्लेयर कर दें, जिसमें कि एक कुछ मैकेनिज्म ले आए जिससे कि कोई भी हर्डल ना आए और हम कंजर्वेशन एफर्ट्स को कंटिन्यू कर सकें।
नेक्स्ट है कि जो लोकल्स हैं उनके बीच अवेयरनेस जनरेट करनी चाहिए, और अगेन ये जो हेल्प किस चीज के लिए करेगा, इन जनरेटिंग इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव इंटेलिजेंस। नेक्स्ट फैक्टर है कि जो यूथ है, जो लोकल यूथ है, उसको हम रिक्रूट करेंगे, क्योंकि वो जो लोकल टेरेन है उसके बारे में उसे जानकारी है, तो जो पोचर्स अगर आते हैं तो उसको कैच करने में आसानी होगी। नेक्स्ट फैक्टर है कि जो ओल्ड स्टाफ है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो ओल्ड स्टाफ है, जो कि पोचर्स को कैच करने में इन्वॉल्व है, जो फील्ड एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो उनकी एज अगर 50 ईयर्स से ज़्यादा है तो उनको रिप्लेस करके हम यूथ, जो यंग लोग हैं, उनको रिक्रूट करें, क्योंकि वो उनमें ज़्यादा एनर्जी और स्ट्रेंथ होगी, है ना, जो कि हेल्पफुल होगी पोचर्स को कैच करने के लिए। नेक्स्ट फैक्टर ये कि जो कन्विक्शन रेट है इन पोचर्स की, जिसे कैच कर रहे हैं, उसको बढ़ाना पड़ेगा, वो बहुत कम है। तो मेनली ये है कि एविडेंस हम नहीं लेके ला पाते, और है ना, तो इसकी वजह से या तो उनको जेल टर्म बहुत कम हो रही है, या बहुत, या तो आप मानिए कि हो ही नहीं रही है। तो ये रिक्वायर्ड है कि हमें कुछ एफर्ट्स लेने पड़ेंगे जिसकी वजह से कन्विक्शन रेट उनकी इंक्रीज किया जाए। एक जैसा एक एफर्ट है जो कि अगेन टेक्नोलॉजी यूज करने का है, वो है कि जो राइनो है उनकी डीएनए इंडेक्सिंग किया जाए। मतलब हर एक राइनो का एक डीएनए लेके उसका एक तरीके से जो डेटा है वो रखें। अगर कोई राइनो मरता है तो हमारे पास ऑलरेडी डीएनए उसका होगा, उसका डेटा होगा। तो अगर हमने किसी पोचर को कैच किया, तो अगर उस पोचर को हमने कैच किया तो कोर्ट में हेल्प करेगा कि भाई इस पोचर ने इस राइनो को मारा जो कि काजीरंगा में था। तो ये एक एविडेंस के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा ये इसके जो प्रोफाइल है, जो यूनिक जो प्रोफाइल है, उसको मेंटेन करने के लिए भी हेल्प में रहेगा। नेक्स्ट है कि एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि जो ये वर्न हॉर्न राइनोसोरस है, इसका जो स्मगलिंग होती है, इसके हॉर्न की जो स्मगलिंग होती है, उससे जो फंड जनरेट होता है उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के फंडिंग के लिए भी यूज़ हो रहा है। तो ये एक मैटर है नेशनल कंसर्न का, क्योंकि जो ये साउथ ईस्ट एशियन रीजन है और ये नॉर्थ ईस्ट एशियन रीजन है, यहाँ पे एक तो इंसर्जेंसी है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में हमारे पास इंसर्जेंसी है, और जो नदर्न म्यांमार वाला रीजन है वहाँ भी इंसर्जेंसी है ना, कचिन ट्राइब वहाँ रह रही है, केसियान खपलांग ग्रुप है वहाँ पे। तो ये एक तरीके से एक कंसर्न है, ठीक है, क्योंकि वहाँ ड्रग ट्रैफिकिंग भी है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें इलीगल एक्टिविटीज़ वहाँ पे हो रही हैं, तो हम पूरी तरह से चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते। सो हमें जो है वाइल्ड लाइफ जो क्राइम्स हैं उसको अपने एक तरीके से उसके हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, हमें उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। वाइल्ड लाइफ क्राइम का क्या मतलब हुआ कि जैसे अगर हम मार रहे हैं राइनोसोरस का, तो ये वाइल्ड लाइफ क्राइम के अंडर आएगा। नेक्स्ट है कि मल्टी स्टेट एक्शन होना चाहिए, मतलब ये जो सराउंडिंग स्टेट्स हैं, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये स्टेट्स को भी रोल प्ले करना चाहिए, तभी हम पोचर को भी कैच कर पाएंगे, और जो प्रोटेक्शन है, जो हमारे एनिमल्स हैं काजीरंगा में, उनके प्रोटेक्शन में भी काफ़ी हेल्प होगा। नेक्स्ट फैक्टर ये है कि जो कई सारे रिवर आइलैंड्स हैं जिनमें ग्रासेस हैं, उनको ऐड करो। और अगर सपोज ब्रह्मपुत्र रिवर है, अब ब्रह्मपुत्र रिवर अपने कोर्स को जब शिफ्ट करती है तो कुछ आइलैंड्स क्रिएट हो जाते हैं। जैसे अगर आपको मजूली आइलैंड के बारे में पता हो तो वो भी एक क्या है, एक रिवराइन आइलैंड है। सिमिलरली जो छोटे छोटे आइलैंड पार्क एरिया के अराउंड जो क्रिएट हो रहे हैं, उनको पार्क एरिया में ऐड कर दो, तो अगेन वो एक नए हैबिटेशन के रूप में आ जाएंगे, तो फिर फर्दर जो इकोसिस्टम इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करने में हेल्प रहेगा। हमारा जो राइनो विजन है 2020, इस पे हमें ज़्यादा एम्फोसिस करना पड़ेगा, ठीक है, जिससे कि राइनो की पॉपुलेशन फर्दर इंक्रीज हो पाए। नेक्स्ट फैक्टर यह है कि सपोज है ना कि जैसे फॉर एग्जांपल जो राइनोज है उसका 70% जो है वो एक ही जगह पे है, काजीरंगा पे। तो अगर सपोज कोई बड़ा कोई बीमारी आ गई तो सारे जो राइनोज हैं वो अफेक्ट होंगे। तो हमें क्या करना है कि उनका जो हैबिटेशन उसको डाइवर्सिफाई करना चाहिए। इसकी वजह से क्या होगा कि अगर एक जगह पे कोई जैसे फ्लड ही बहुत ज़्यादा आ गया या कोई डिजीज़ आ गया तो सारे राइनोसोरस नहीं अफेक्ट होंगे। तो हम उनको कैसे ट्रांसलोकेट कर सकते हैं सिमिलर हैबिटेशन में, जैसे एक है पबिटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि असम में है। तो इस फैक्टर को हम डिस्कस कर चुके हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।